हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे एब्डोमिनल के 3 मसल्स के बारे में, उनको कैसे ट्रेन करना है। नंबर 1 रेक्टस एब्डोमिनल, जिसको सिक्स पैक भी कहते हैं। नंबर 2 एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, 1 इंटरनल ऑब्लिक्स। उनको जानने से पहले कि उसको ट्रेन कैसे करना है, हमारा जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ट्रेन करके आपका फैट लॉस नहीं होने वाला, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साइंटिफिक फैक्ट जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहिए। एक्सरसाइज नंबर 1, फॉरवर्ड या रिवर्स क्रंचेज। ये एक्सरसाइज आप या तो ऑन फ्लोर कर सकते हो मैट के ऊपर, दूसरा अगर आपको करना है तो डिक्लाइन की बेंच आती है एब्स की, उस पर आप कर सकते हो। ये आपके फिटनेस लेवल के ऊपर डिसाइड है। आइए मैं आपको बता देता हूँ मसल्स की साइंस। अब मसल्स की साइंस की हम लोग बात करते हैं, हमारे पास 3 टाइप के मसल्स होते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, जिसमें आप टाइप 2A या टाइप 2X की बात करते हैं। टाइप 1 मसल फाइबर, जिनको हम लोग कहते हैं रेड मसल फाइबर, इसमें हाइपरट्रोफी एकदम ना के बराबर होती है। टाइप 2A और टाइप 2X ये मसल फाइबर में हाइपरट्रोफी बहुत अच्छी होती है, उनको स्ट्रेंथ फाइबर कहा जाता है, एंड टाइप 1 को एंड्योरेंस फाइबर कहा जाता है। तो ये जो शीट है हमारी रेक्टस एब्डोमिनल की, ये शीट में टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा है, इससे एकदम क्लियर हो गया कि इसमें हाइपरट्रोफी अब बहुत कम लेवल पे होने वाली है। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिम के अंदर एब्डोमिनल को ज़्यादा वेट के साथ ट्रेन करते हैं, हैंगिंग क्रंचेज, केबल के ऊपर वेट डाल के एंड शोर शराबा पूरी इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं, जबकि पता है साइंस ने बता दिया है रिसर्च में कि इसमें हाइपरट्रोफी नहीं होगी। जब हाइपरट्रोफी नहीं होगी तो आप वेट के साथ क्यों ट्रेन कर रहे हो? वेट के साथ ट्रेन करने का मतलब होता है कि मसल का साइज बढ़ाने की आप ट्राई कर रहे हो ना। जब साइज ही नहीं बढ़ेगा, सो व्हाई यू आर ट्रेनिंग द एब्स विद द हाई वेट? ट्रेन एब्डोमिनल मसल विद लाइट वेट एंड हाई रेपिटेशन, क्योंकि ये जो मसल्स है ना, ये एंड्योरेंस के लिए बनाए गए, ताकत के लिए नहीं बनाए गए। सो अगर आप मसल्स को साइंस के हिसाब से ट्रेन करोगे तो मसल्स में आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, मसल्स आपके ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। अगर आप साइंस के अगेंस्ट काम करोगे तो बिलीव मी, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, रिजल्ट भी नहीं आएगा, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको लेग्स को रेज कर लेना है 90 डिग्री पे। इसका बेनिफिट है कि जब आप लेग को रेज करते हो तो आपका हिप फ्लेक्शन कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। हिप फ्लेक्शन एब्स का फंक्शन नहीं है, हिप फ्लेक्शन है हिप फ्लेक्सस मसल का फंक्शन। तो एब्स को ज़्यादा बेहतर काम देने के लिए इसको आप 90 डिग्री पे होल्ड कर लेना। उसके बाद आपको हाथ को दोनों चेस्ट पे रखना है, एंड आपको रूफ की तरफ देखना है, एंड आपको फिर टोर्सो को फ्लेक्स करना। जो टोर्सो फ्लेक्शन, ये एब्डोमिनल का फंक्शन है, ये रेक्टस एब्डोमिनल का फंक्शन है। दिखाता हूँ कैसे, लाइक दिस। व्हेन यू अप ब्रीद आउट, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड क्रंचेस। आपको इसको ज़्यादा रेपिटेशन में ट्रेन करना है, 30, 40, 50, 100 जितने भी आप कर सकते हो। अब आपको दूसरा बताता हूँ रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस में आपको वापस से हाथ यहाँ चेस्ट पे रख लेना है और आपको लेग्स को पुल करना है टुवर्ड्स योर हेड लाइक दिस। स्टार्टिंग पॉइंट 90 डिग्री पे रहेगा। व्हेन यू पुल ब्रीथ आउट, इसमें अक्सर लोग एक गलती करते हैं कि रिवर्स भी करते हैं फॉरवर्ड भी करते हैं। रिवर्स इसलिए करते हैं कि लोअर एब्स का फैट कम होएगा या लोअर एब्स पे असर पड़ेगा, फॉरवर्ड इसलिए करते हैं कि फॉर अपर एब्स काम करेंगे। अरे यार, अपर लोअर एब्स है ही नहीं ना, तो कहाँ से काम कराओगे? इट इज़ ए वन शीट, कनेक्टेड शीट है। जब कोई चीज़ कनेक्टेड बनी होती तो उसमें अपर लोअर नहीं होता है, इसलिए आपको इन दोनों में से एक करना है। आपके स्ट्रेंथ एंड फिटनेस लेवल के हिसाब से दोनों परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो एनर्जी, वो टाइम बचा के किसी और एक्सरसाइज में डाल दो। इट इज़ ए वन शीट, सो अपर एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल इस नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता है, इट इज़ ए कनेक्टेड वन शीट। तो या तो आप अपर करो या लोअर करो, करना एक ही है विद हाई रेपिटेशन। एक्सरसाइज नंबर 2 वुड चॉपिंग। वुड चॉपिंग इज डन फॉर 2 मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स इंटरनल ऑब्लिक्स। ये मसल ट्रेन कैसा होता है इसकी थोड़ी साइंस आपको बता देता हूँ मैं। ज़्यादातर मसल्स हम लोग ट्रेन करते हैं इंसर्शन पॉइंट पे। ये मसल एक ऐसा मसल्स है जो इंसर्शन पॉइंट पे भी ट्रेन हो सकता है और
ओरिजिन पॉइंट पे भी ट्रेन हो सकता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन पॉइंट है रिब केज, वहीं पे इंटरनल ऑब्लिक्स का जो इंसर्शन पॉइंट है वो भी रिब केज है। तो जब मैं थोड़ा सा टॉर्सो ट्विस्ट करके स्क्विच करता हूं तो उस टाइम पे एक्सटर्नल इन और इंटरनल ऑब्लिक्स दोनों ट्रेंड होते हैं, एक ओरिजिन पॉइंट पे ट्रेंड होता है, एक इंसर्शन पॉइंट पे ट्रेंड होता है। इसको भी आपको ज्यादा रेपिटेशन में ट्रेन करता है क्योंकि ये मसल्स भी एंड्योरेंस के लिए बनाए गए हैं, स्ट्रेंथ के लिए नहीं बनाए गए। तो ट्रेंड विद हाई रेपिटेशन, आइए दिखाता हूं इसको करते कैसे। मैंने यहाँ पे एक 5 किलो का प्लेट पकड़ा हूं हाथ में, अगर आपके पास मेडिसिन बोल रहेगी तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें आप थोड़ी फोर्स लगा के भी मसल को स्विच कर सकते हो। मेरे पास मेडिसिन बोल नहीं है तो मैं आपको एक ऑब्जेक्ट के साथ एक प्लेट के साथ दिखा रहा हूँ। सीधा आपको बैठ जाना है, आपको जो ट्रंक है स्लाइटली रोटेट करना है और मसल को स्विच करना है लाइक दिस, फिर यहाँ पे लाना है आपको, देन स्क्विच, फिर लाना है यहाँ पे। ये एक्सरसाइज स्क्वीज बॉल के ऊपर ज्यादा अच्छे से ट्रेन होती है। ये हमारा एक ऑप्शन है जो मैं आपको इस पर करके बता रहा हूं। इस एक्सरसाइज में एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों ओब्लिक ट्रेन हो रहे हैं, दोनों मसल्स, एंड स्पाइन भी सेफ रहता है, स्पाइन को इंजरी के चांसेस भी आर वेरी वेरी लेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।